अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के डायरेक्टर राघव लॉरेंस को तो सभी जानते हैं। वो साउथ इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर में से एक हैं और अब उन्होंने लक्ष्मी बॉम्ब को डायरेक्ट करके बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राघव फिल्मों के अलावा भी एक और बड़ा काम करते हैं, एक ऐसा काम जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप भी उनके फैन बन जाएंगे। यहाँ दरअसल राघव लॉरेंस फिल्मों में काम करने के अलावा समाज से जुड़े नेक काम भी करते हैं। वो एक अनाथालय भी चलाते हैं। उनका ये अनाथ आश्रम तमिलनाडु में है और इस बात का खुलासा तब हुआ जब हाल ही में उनके अनाथालय के 18 बच्चों और स्टाफ वर्कर में कोरोना संक्रमण पाया गया था। राघव ने इस बात की जानकारी भी ट्विटर पर ही शेयर की थी। उन्होंने बताया था कि उनके अनाथालय में बच्चों और वर्कर्स को कई दिनों से बुखार है। इनका टेस्ट करवाने पर पता चला कि 18 बच्चे और 3 वर्कर कोरोना पॉजिटिव हैं। इसमें 2 दिमागी रूप से भी अक्षम बच्चे शामिल हैं। राघव ने एक लंबा पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी। राघव ने लिखा था, आप सब जानते हैं कि मैं अनाथ बच्चों के लिए एक ट्रस्ट चलाता हूँ। एक हफ्ते पहले कुछ बच्चों में शुरुआत में बुखार के लक्षण देखे गए थे और अब 18 बच्चों सहित 3 स्टाफ मेंबर्स की जांच की गई तो सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसमें से 2 स्टाफ मेंबर्स विकलांग हैं। उन्होंने आगे लिखा, ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि दवा देने के बाद बच्चों की सेहत में सुधार देखा जा रहा है और वो अब ठीक है। उनका बुखार उतर गया है और उनकी बॉडी टेम्परेचर भी सामान्य हो गया है। डॉक्टर्स द्वारा ये भी जानकारी मिली कि एक बार रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सभी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वही मानना ही पड़ेगा कि लॉरेन एक बेहतरीन एक्टर और डायरेक्टर होने के साथ साथ अच्छे इंसान भी हैं, और अगर वो ये ट्वीट ना करते तो शायद लोगों को उनके इस नए काम के बारे में पता भी नहीं चलता। खैर, बात करें उनके द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब की, तो फिल्म रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार है और फैंस भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अक्षय के डायरेक्टर राघव के इस नए काम को जानने के बाद अब हर कोई उनकी तारीफें भी कर रहा है।